बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन फ्लेवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब। पिशावर की बहुत ही मशहूर रेसिपी है और पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इसकी अपने जायके की वजह से एक अलग ही इसकी पहचान है। तो चलें अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा अगर आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी बनानी है अथेंटिक तरीके से। सबसे पहले हमने ये प्याज लेना है तकरीबन 1 किलो के करीब। प्याज के मैंने इस तरह से 4 टुकड़ों में कर दिया है और प्याज का वज़न जो होता है वो आपके कबाबों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये 1 किलो प्याज मैं चॉपर में डाल के इसको बारीक कर दूंगी। प्याज को चॉपर में डालने के बाद इतना बारीक करना है कि जितना कि आपका कीमा जो है वो चॉप हुआ हो, ठीक है। अब मैं आपको इसको चॉप करके बताऊंगी कि किस तरह की इसकी जो है ना वो लुक आनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो जहाँ से कबाब वालों से भी जो चॉप हुआ हुआ प्याज है उनके पास मिलता है वो भी ख़रीद सकते हैं, या फिर अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप नाइफ़ से ना बहुत ही बारीक से चॉप कर लें। अच्छी सी तेज़ सी नाइफ़ लें, छुरी से बारीक से चॉप कर लें तो बस कोई इशू नहीं है, सेम रिज़ल्ट आएगा आपका, ठीक है। मेरे पास चॉपर है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। साथ में मैंने एक मलमल का कपड़ा लिया है, उसमें ये प्याज ऐड करके और इसको देखिए स्क्वीज़ मैंने किया है, किस तरह से इसका आराम से जितना पानी था ना वो निकल आया। आपने इतना इसको प्रेस करना है कि जितना आप ज़ोर लगा सकते हो, जितना आप कोशिश करें उतना इसको प्रेस करें कि इसमें जितना भी पानी है थोड़ा बहुत भी है वो भी निकल जाए। मैंने 2 दफ़ा में इसको कर लिया तो ये देखिए इतना सारा पानी निकला है और मेरे पास ये बाकी का जो प्याज है ना ये बच गया है। प्याज जो मेरे पास बचा है तकरीबन 500 ग्राम बचा है। आप देखेंगे कि आप जितना पानी निकालेंगे उतना प्याज भी अलग हो जाएगा, ठीक है, आधे के बराबर। अब यहाँ पे मैंने टमाटर लिए, टमाटर को मैंने स्लाइसेस में चॉप करके और चॉपर में डाल दिया है। इस तरह से मैंने स्लाइसेस किए हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक बात शेयर करती चलूँ कि आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बाहर चॉपर्स में नहीं करते इतना, ज़्यादातर मोस्टली वो बड़ी नाइफ से कट करते हैं, ठीक है। तो मैंने चॉपर में जो डाला है ना, तो जो लोग चॉपर में करना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा चक्कर देना है, इतना कि इसमें मोटा मोटा सा हो जाए, आपने पानी की तरह रनी नहीं बनाना, ठीक है, चॉप किया हुआ मोटा मोटा सा। अब इसमें मैंने हरी मिर्ची शामिल की हैं, साथ ही इसको भी चॉप करेंगे। तकरीबन 12 से 13 या 15 दाने ले लें, या आप डिपेंड करते हैं आपकी हरी मिर्च तेज़ है या फिर आपकी हरी मिर्च कैसी है। मोटी हरी मिर्च जो होती है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो इसमें आप 15 दाने भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कीमा मैंने लिया है बीफ का, तकरीबन 1 किलो के करीब कीमा लिया है। कीमा बिल्कुल सादे गोश्त का लिया है, चर्बी वाला कीमा आपने इसमें यूज़ नहीं करना, और कीमे की मशीन से 2 से 3 बार निकला हुआ कीमा यूज़ करना है, चॉपर से निकला हुआ कीमा यूज़ नहीं करना, ठीक है। मेक श्योर कि कीमा आपका बारीक निकला हुआ हो। 2 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मसलना है, सबसे पहले नमक डाल के मसलना है ताकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, ठीक है, नमक से इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी। यहाँ मैं आपको ये टिप देती चलूँ, अगर आपका कीमा नरम पिसा हुआ होगा बारीक तो फिर आपके चपल कबाब भी नरम बनेंगे, ठीक है। टमाटर में इसमें तकरीबन 500 ग्राम चॉप किए हुए शामिल कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि 1/2 किलो टमाटर। साथ में ये अनारदाना है, ये मैंने 3 चम्मच यानी भर के 3 टेबलस्पून के करीब इसमें शामिल किया। आप चाहे छोटा मोटा मोटा इसको कूट कर भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग ज़्यादा मुँह में आता हुआ फ्लेवर इसका पसंद नहीं करेंगे तो उसको चॉप करके शामिल कर दें। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, आपने बिल्कुल बारीक फाइन चॉप किया हुआ नहीं डालना, आप इसको मोटा सा कूट लें। 3 टेबलस्पून भर के इसमें धनिया पाउडर का शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा जीरा पाउडर, इसको भी मोटा मोटा कूट लें। कुटी हुई लाल मिर्चें 3 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करेंगे, जो चिली फ्लेक्स जिसको बोलते हैं वो आपने शामिल करनी है। अदरक 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल करना है बारीक चॉप किया हुआ। साथ में इसमें सबसे अहम चीज़ जिससे आपके चपली कबाब जो हैं वो फूलेंगे, वो हम शामिल करेंगे इसमें सोडा, मीठा खाने का सोडा तकरीबन 1/8 टेबल स्पून शामिल करेंगे, यानी 1 टेबल स्पून का तकरीबन 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा शामिल करेंगे। साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट जो रेडी किया है उसको शामिल करेंगे। अच्छा, इसको आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक जो है ना इस तरह से मसलना है अच्छे से, इसको इतना अच्छे से करना है कि इसमें तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छे से यकजा हो जाएं, कीमा जो है वो लेसदार हो जाए, ठीक है, अच्छी तरह से आपने इसको बाइंडिंग करनी है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ये प्याज, ये प्याज जो मैंने जिसका पानी निकाला हुआ है वो शामिल किया है। मकई का आटा शामिल करेंगे इसमें, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे, यानी 1/2 कप तक शामिल कर दें, ठीक है।
मकई का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप सादा गंदम का आटा जो घर में यूज़ होता है 3 टेबलस्पून वो ले लें, साथ में 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिला के इसमें शामिल कर दें। इस तरह आप आटे को गूंदते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस प्रोसेस को जारी रख रहे हैं आपने। जब ये देखें कि तमाम चीज़ें इसमें हल हो चुकी हैं तो फिर उसको बाद इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। दूसरी तरफ मैं अंडे फ्राई करूँगी। अब इतनी देर में कीमा जो है वो फ्रिज में रेस्ट के लिए मैंने रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने 3 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा घी फ्राई पैन में 2 से 3 टेबलस्पून शामिल किया और उसमें ये अंडे मोटे मोटे से जो है वो कुक करने हैं। इतना कुक करना है कि हल्का सा बस ये पक जाए, ये नहीं कि इसके अंदर जो है ना इसको फुल आप ड्राई कर दें। ड्राई नहीं करना आपने, इसको घी में पकाना है, बिल्कुल ड्राई पैन पर बिल्कुल भी नहीं कुक करना। अब ये जब हो चुके हैं, एक दूसरे पैन में मैंने गाय की चर्बी शामिल की है तकरीबन 1 कप। अच्छा, चर्बी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको मुकम्मल घी में भी पका सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप चर्बी ही यूज़ करें। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसके बिना भी आपके चप्पल कबाब का फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही आएगा। अच्छा, अंडों को आप इसी घी में शामिल करके भी कुक कर सकते हैं। अब इस चर्बी में मैं साथ में घी भी शामिल करूँगी। घी इतना शामिल करूंगी कि आधी चर्बी है तो आधा मैं घी की क्वांटिटी इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, बाहर जो है वो अब इसी तरह चर्बी पिघला कर उसमें साथ में घी भी ऐड करते हैं। सिर्फ चर्बी में नहीं बनाते क्योंकि बहुत फास्ट फ्लेवर होता है, आपकी मर्ज़ी, आप सिर्फ चर्बी में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप गाय की चर्बी में सारा कुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फ्लेवर उसमें भी आता है। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा इसमें से कीमा लिया है जितना मैंने बनाना है, साथ में मैंने इसमें अलग से ये थोड़े जो अंडे बना के रखे थे ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, इसमें मिक्स करके थोड़े से और अच्छे से इसको हम मैश करेंगे। ठीक है, हाथों को गीला करेंगे हम और फिर हम इसमें से कबाब की तरह जो है वो रोल बनाकर इस तरह से उठाएंगे। जो हम कोफ्ते का साइज़ लेते हैं ना उससे आपने डबल लेना है, जितना हम कोफ्ता बनाते हैं उसके डबल के हिसाब से आपने कीमा उठाना है। ठीक है, मुट्ठी भर के ये उठाने के बाद इसको हमने बाइंडिंग करनी है जाके क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। उसके बाद हल्का सा उंगलियों से इस तरह से प्रेस करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इस तरह करने से जो है वो आपका कबाब एक तो अंदर तक कुक होता है क्योंकि इसमें कुकिंग टाइम बहुत कम होता है, हमने सिर्फ 2 मिनट्स एक साइड से बनाना है और 2 मिनट्स दूसरी साइड से, तो इसको कट ज़रूर आपने देना है फिंगर्स के साथ। जिस वक्त आप कबाब बना रहे हों उसकी शेप बना रहे हों, साथ में आप एक्स्ट्रा स्पाइसेस रख लें, कुटी हुई हरी मिर्चें रख लें, साथ में नमक साथ में रख लें, ताकि जो लोग हरी मिर्च पसंद करते हैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तो उनके कबाब में आप ऐड कर सकते हैं। या आपने गरम गरम घी में शामिल कर देना है, फ्लेम आपकी जो है हाई टू मीडियम के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है, और ये इसकी लुक जो है ना आप देखेंगे यही वाली आएगी, इसकी लुक बाहर से डार्क होती है, अंदर से ये सॉफ्ट होते हैं, बाहर से क्रिस्पी होते हैं, तो इसमें आपने घबराना नहीं है कि ये जल गए, ये जले नहीं होते बल्कि ये आप जो चर्बी में कुक होते हैं ना उसकी वजह से इसकी ये लुक आती है। आप जब बाहर खाते हैं तो वहाँ भी सेम प्रोसेस के साथ बनाया जाता है। जब आप इसको ओवर कुक करेंगे तो ऑब्वियसली ये बाहर से डार्क तो होंगे मगर ये जल से जाएंगे, तो बेहतर यही है कि आप इसका टाइम जो है वो साथ के साथ नोट करें। टोटल 4 मिनट्स का टाइम रखें, 2 मिनट एक तरफ से, 2 मिनट दूसरी तरफ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। रेसिपी जब भी ट्राई करें इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो किया करें। आप बीच में से स्किप करके जब रेसिपी बनाते हैं तो आपका वक्त और पैसा दोनों ज़ाया होते हैं और कोई ना कोई इसमें ख़राबी आ जाती है, तो बेहतर यही है कि आप रेसिपी को एंड तक वॉच किया करें। इसमें जो आप फिंगर्स के साथ जो गैप्स बनाते हैं उसका मकसद यही होता है कि आपका जो कीमा है अंदर से भी कुक हो जाए और जो सोडा शामिल किया होता है ना उसकी वजह से ये बिल्कुल ऊपर से फूला हुआ ना आए, यानी बॉल सा ना बन जाए। ठीक है, इसीलिए इसको फिंगर्स के साथ इस तरह प्रेस करके और आगे कर देते हैं। एक स्टेप मैंने आपको बताया है, इसमें जो एग्स हमने शामिल किया ना मैश करके आप उसको बीच में मिक्स कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप चप्पल कबाब बनाने के बाद उसके ऊपर भी एग रख के जो है वो आप इसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। टमाटर इसमें ऐड किया जाता है ऊपर से, वो भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऊपर से टमाटर रख के भी कुक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, गरम गरम हमारे चप्पल कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं। मैं आपको उसको तोड़ के बताती हूँ, अंदर से ये सॉफ्ट हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बाहर से बहुत मज़े के क्रिस्पी से हैं और ये फुल कुक हुए होते हैं। ये नहीं है कि ये आपको 5 मिनट्स में लगेगा कि ये कच्चे रह गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम इसको जिस तरीके से इसका कुकिंग प्रोसेस होता है ना उसको फॉलो करते हुए बनाते हैं तो हम इस तरह देखें आप बिल्कुल अंदर से भी कुक हो जाते हैं। जब आप इसको वैसे ही डालेंगे ना तो ये अंदर से उस तरह से कुक नहीं होंगे जिस तरह आप बाहर से ला के खाते हैं। तो जी, इसको लीमू के साथ सर्व किया जाता है, ये नारंज मिलती है उसके साथ सर्व किया जाता है। हमारे यहाँ केपीके में इसके साथ नारंज भी रखी जाती है बड़ी बड़े साइज़ की, उस पर स्प्रिंकल करके जो है ना खट्टा सा जो इसके साथ सर्व किया जाता है। आप धनिया पुदीने की चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं।
तंदूरी नान के साथ इसको सर्व किया जाता है। बहुत ही मज़ेदार गरम गरम चपली कबाब की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए फिर कोई नई रेसिपी लेकर आऊँगी और ऑथेंटिक तरीके से आपको बनाना सिखाऊँगी। ईद बकरीद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी काफ़ी रेसिपीज़ मैंने अपने पेज पर दी हैं, आप विज़िट करें और ट्राई करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।